नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं हूं करण और मैं आज आपको इस एक डिवाइस से रूबरू करवाने वाला हूं। देखिए, अगर आप अपने मोबाइल से फेसबुक पे लाइव आते हैं, यूट्यूब पे लाइव आते हैं या फिर कोई लाइव प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ, जो साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है मिक्सिंग में, वैसा का वैसा साउंड जो आपका बज रहा है वो साउंड आप अपने मोबाइल में कैप्चर करें और लाइव रिकॉर्डिंग करें। जैसे आप गा रहे हैं, कहीं जागरण में गा रहे हैं या फिर कहीं आप कोई लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर आप खुद कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर कहीं भी आप कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं विद इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, तो उसको आप डायरेक्टली मोबाइल में, जैसे DSLR के साथ में रिकॉर्डिंग होता है, DSLR की रिकॉर्डिंग करते हैं लाइव, वैसे ही अपने मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से सीधा इनपुट जो आता है वो लाइन इनपुट इसमें ऑक्स इनपुट में नहीं होता है, तो उसको कन्वर्टर करने के लिए एक हमारे पास डिवाइस होता है जिससे आप फेसबुक लाइव आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव आ सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं, और अपने इस्तेमाल के लिए अगर कोई आप स्पेस दे रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, अदरवाइज XYZ किसी भी काम के लिए अगर आपको लाइव अच्छी और साउंड क्वालिटी चाहिए जो बेटर क्वालिटी में होती है, तो उसके लिए मेरे पास एक डिवाइस है और वो डिवाइस बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। मैं आपको बता देता हूँ, उस डिवाइस का नाम है, देख लीजिए, आयरिंग नाम से डिवाइस है। एक तरफ से इसमें ये जैक आता है 3.5 mm का जो स्टीरियो में आता है, देख लीजिए आप, स्टीरियो जैक आता है ऐसे वाला। तो इसके साथ में दूसरे में जो आता है वो 6.35 mm का एक सॉकेट आता है। तो इसके लिए दो तीन रास्ते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए अपने मिक्सर के साथ में, अपने मिक्सर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई डायनेमिक माइक है, कंडेंसर माइक है, उसको भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडेंसर माइक कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको फैंटम पावर का एक अलग से ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप जैसे रिपोर्टर वगैरह होते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, जो लाइव फेसबुक पर आते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके दो तीन रास्ते हैं हमारे पास और मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि इसको लाइव रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक AC केबल हो, दो तीन रास्ते पहले, सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। तो इसमें देख लीजिए, ये RCA केबल है, तो ये 2 RCA से 2 RCA केबल है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर आप इससे इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ये सॉकेट की जरूरत पड़ेगी जो एक साइड में मोनो है, मोनो 6.3 mm है और दूसरी साइड RCA है। तो आप इसको सीधा इसमें लगा दीजिए, लग गया ये। उसके बाद में करना क्या है आपको, ये वाली जो सॉकेट है इसमें लगा दीजिए और ये वाला जो हिस्सा है वो आप अपने मोबाइल फोन में लगा दीजिए, जैसे कि ये ईयरफोन वाला है इसमें आप लगा दीजिए। अब आपका साउंड बन चुका है, ठीक है। अब ये वाली जो, ये कवर थोड़ा लूज है इसलिए निकल गया ये, मैं इसको एक बार कवर को हटा देता हूँ, जैसे ये लग गया। अब ये वाली जो पिन है ये आपके मिक्सर के आउटपुट चैनल में लगा दीजिए, जो RCA का आउटपुट चैनल निकलता है, ये देख लीजिए स्क्रीन पर, देख लीजिए आप, ये वाले चैनल में आप लगा दीजिए। और दूसरा रास्ता इसका ये है, अगर उसमें आपको जगह नहीं है तो आप जो इसका मेन आउटपुट होता है उसके लिए आपको ये दो मेल टू RCA केबल की जरूरत पड़ेगी, ये कन्वर्टर की। तो ये कन्वर्टर क्या करेंगे, आप इनमें लगा दीजिए, ये लग गया और दूसरा भी ये लग गया, और इनको आप अपने मिक्स बोर्ड के मिक्सर में लगा दीजिए, जो मेन आउटपुट निकलती है उसमें लगा दीजिए। तो उसके बाद आपका जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप मिक्सर के साथ में, वो सेम एज रिकॉर्डिंग आपकी इसमें आ जाएगी, आपके मोबाइल में कैप्चर हो जाएगी वो अच्छी क्वालिटी में, बेटर क्वालिटी में, जो आप DSLR से जो बड़े प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करते देखा होगा वैसा का वैसा रिकॉर्डिंग। उसका जो दूसरा रास्ता है इसका, उसको मैं बताता हूँ आपको। ये तो समझ ही गए आप, कुछ नहीं करना है आपको, ट्राइपॉड लेना है, ट्राइपॉड पे मोबाइल रखना है, ये आयरिंग लगाना है, उसके बाद में सॉकेट लगाना है, सॉकेट के बाद में ये RCA अडेप्टर केबल लगानी है, उसके बाद में ये दो अडेप्टर लगाने हैं RCA के। दूसरा रास्ता जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये हम इसको निकाल लेते हैं, इसको हम रख देते हैं। दूसरा रास्ता आता है आपके पास ये मोनो केबल, ये मोनो केबल है जो कि मोनो टू मोनो है। इस केबल के लिए आपको करना क्या होता है, सिंपली मोबाइल से इसको आयरिंग को कनेक्ट कीजिए, उसके बाद इसमें आप ये वाला जो इस सॉकेट में आपको ये सॉकेट लगाना है, और ये सॉकेट आपके मिक्सर के आउटपुट के जो लेफ्ट और राइट चैनल होता है उनमें से एक चैनल में लगा दीजिए, कोई से भी एक चैनल में लगा के आप रख दीजिए, उसके बाद में आप जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो बिल्कुल सेम एज रिकॉर्डिंग होगी। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, ये वाली केबल तो आपके पास सबके पास मिली जाती होगी, अगर देखिए ये तीन चार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई केबल है तो उसका यूज़ हो सके। ये वाली केबल, ये जो ऑक्स केबल आती है
देख लीजिए, सिंपली ऑक्स केबल है ये। एक साइड में ये छोटी जगह केस की साथ छोटी पिन जिसको 3.5 mm बोलते हैं, और एक में आर सी ए केबल है। तो इसको आप मिक्सर के आउटपुट में जो आर सी ए अडेप्टर है उसमें लगा दीजिए, और ये वाला जो हिस्सा है उसके लिए आपको कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसा एक कन्वर्टर ले लीजिए, ये वाला, इसको आप यूँ लगाइए, लग गया। उसके बाद में आप अपने मोबाइल से कनेक्टेड जो है इसमें आयरिंग में लगा दीजिए, लग गया। उसके बाद आपको इसको भी जो अपना मिक्सर है उसमें लगा देना है। उसके बाद में आपको क्या है कि जो आपका कंडेंसर माइक लगा हो या फिर जो डायनेमिक माइक कोई भी लगा हो, तो उसकी जो साउंड क्वालिटी है सेम एज साउंड क्वालिटी उसमें इनपुट होती है और इसमें आउटपुट होती है और मोबाइल में इनपुट हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करता है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब रिकॉर्डिंग करता है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में। मैं खुद यूज़ करता हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ, कई बार मुझे टाइम नहीं होता है कि मैं भाई मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकूँ, तो उसके लिए मैं क्या डायरेक्टली गाना गा के अपलोडिंग कर देता हूँ, या लाइव भी आता हूँ मैं फेसबुक पर, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी डिवाइस है, मैं तो कहता हूँ आप इसको देर ना करें, मंगा लें, और ज़्यादा पैसे महंगी नहीं है ये। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो ये चीज़ें हैं आर सी अडेप्टर, ये वाली केबल अडेप्टर वगैरह, इन सब की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अडेप्टर के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अडेप्टर आपको मार्केट में सस्ता मिलेगा, जहाँ आप मार्केट में लाने जाएंगे, ऑनलाइन आपको बहुत महंगा मिलेगा। बाकी केबल भी आपको मार्केट में थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, ऑनलाइन आपको थोड़ी महंगी मिलेगी, बट मिलेगी। लेकिन जो कुछ जैसे सोनिक प्लम्बर वगैरह की बहुत सारी अच्छी केबल आती है, बहुत महंगी केबल आती है, बहुत अच्छी आती है, हॉर्स की बहुत महंगी आती है। तो आपको मैं अभी इसको लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? तो चलिए हम पहले लाइव कर लेते हैं। तो आप समझ गए ना आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। आपके पास या तो ये केबल होनी चाहिए, अडेप्टर होने चाहिए, और ये वाला अडेप्टर होना चाहिए, और अगर आपके पास दो छोटी आर सी टू फीमेल केबल है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों बीच में लगा दीजिए, लंबी हो जाएगी। और ये जैक आपको चाहिए ही होता है, देखो ये वाला, और एक मोनो केबल चाहिए। तो चलिए हम इसको लाइव करके देखते हैं। आप देख लीजिए मेरा आगे वाला कैमरा चालू है, और उसके लिए उसमें अंदर मैंने ये लगा रखी है, ये लगा रखा, देखिए मैंने अडेप्टर यहाँ से, और ये जो इसका जो ये भाग है ये लगा रखा है, और ये जो सेकेंड भाग है ये हमारे इसमें आ रखा है मिक्सर में। तो मैंने इसको मेन आउटपुट में लिया है स्टीरियो में, तो ये मैंने जैक लगा के लिया है, ये मेरा हेडफोन लगा हुआ है, ये मेरे माइक लगा हुआ है, माइक की जो एक्सएलआर केबल है वो लगी हुई है, और ये है मेरा कंडेंसर माइक्रोफोन, सामने आप मुझे देख रहे होंगे उस कैमरे में, वो भी चालू है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लाइव के, क्योंकि इसके लाइव के लिए आपको ये है कि आपका जो मोबाइल में इनबिल्ट कैमरा है वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एक ओपन कैमरा के नाम से एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, कैमरा मिलेगा, वो कैमरा यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ, जो अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो कंडेंसर माइक्रोफोन से मिक्सर को जाती है, और मिक्सर से आउटपुट हमारा मोबाइल में आती है। तो ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, आप सुन रहे होंगे मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आपको सुनाई दे रही होगी। इसमें मैं विजुअल इफेक्ट भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं डिले यूज़ करता हूँ इसमें, तो कैसी आवाज़ आती है देखिए आप, अब आपको सुनाई दे रहा होगा। सुना आपने? इसके बाद अगर हम कोई गाना गाते हैं तो वो भी देखिए बहुत अच्छा गाना आएगा, देखिए मैं आपको सुनाता हूँ एक। ओ तो ये था, डिले थोड़ा कम कर दिया हूँ, डिले कम कर दिया हूँ। अगर इसमें जैसे फ ये जैसे शब्द आते हैं जिसमें आवाज़ फटती है, तो उसके लिए आप ये पॉपअप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। आप पॉपअप फिल्टर लगा लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पॉपअप फिल्टर को मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चेहरा साफ नहीं दिख रहा। उसके बाद मैं आपको म्यूज़िक के साथ में एक गाना सुनाता हूँ, म्यूज़िक के साथ, तो सुनिएगा। डिले फिर से सेट कर लेता हूँ। लिखे
इतना ही सुनाएंगे ठीक है। आपने देख लिया, हो गया है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ले सकते हैं, बहुत अच्छा डिवाइस है। आप मंगवाइएगा, यूज कीजिएगा, लाइव आइए, अपने गाने गाइए, अपने स्पीच दीजिए, अपना कोई भी प्रोग्राम है उसको रिकॉर्ड कीजिए। अगर किसी जागरण का आपको लाइव रिकॉर्डिंग करना तो वो कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिक्सर में आउटपुट लेना है, आप किसी का भी आउटपुट है इसके, अगर किसी के पास कोई साउंड कार्ड है उसमें ले सकते हैं, या फिर किसी का अगर मान लो जैसे आप जागरण वगैरह में क्या होता है कि जैसे 407 मशीन मिलती है और आहूजा के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसमें जो आउटपुट होता है उसमें लगा दीजिए, चलेगा, अच्छा चलेगा। उसमें आपको थोड़ा सा क्या होगा कि जैसे वोल्टेज का पता रखना पड़ेगा उस उन मशीनों में, वोल्टेज कवर करने का उसमें स्टेबलाइजर वगैरह कुछ होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हो अच्छे से आपका काम करेगा, आप बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर आपको किसी जागरण की रिकॉर्ड करती है तो आप लंबा वायर लीजिए, ट्राईपोड लीजिए, मोबाइल लगाइए, अगर आपके पास DSLR नहीं है तो मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप आउटपुट लीजिए किसी से भी, इनमें इनपुट कीजिए, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग आएगी। मैं कहता हूँ आप इसको ज़रूर मंगाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दूसरी पे अगर मेरे चैनल को कभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए अगर आप चाहें तो। दूसरी चीज़, अगर आपका मेरा गाना सुनना है तो मेरे चैनल में आप जाइए, मेरे गाने सुनिएगा, आपको अच्छे गाने सुनने को मिलेगा, शायद तक आशा करता हूँ आपको मेरे गाने पसंद आएंगे, क्योंकि मैं जो ज़्यादातर गाने गाता हूँ वो 90s के दौर के गाता हूँ, और सिंगर वही कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक जी और लता मंगेशकर हैं, अपने किशोरदा हैं, और क्या बोलते हैं सोनू निगम हैं, रूप कुमार राठौड़ हैं, और इन सिंगर्स में गाने गाता हूँ, अच्छे गाने बहुत सारे सिंगर्स के गाता हूँ, लेकिन गाते 90s के दौर को ज़्यादातर हूँ, हो सकता है आजकल के गाने भी मैं गाता हूँ अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो। प्लीज़ धन्यवाद आपका, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।